दोस्तों इस वीडियो में आपको कागिसो रबाडा के बारे में एक खास बात बताऊंगा और साथ ही मैं आपको दिल्ली के ऐसे दो प्लेयर के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए इस मैच में काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले आईपीएल 2022 के मैच नंबर 64 के बारे में, जो कि खेला जाएगा डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई के ग्राउंड के ऊपर। 16 मई को शाम को 7:30 पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। दोस्तों सबसे पहली बात, अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो याद से ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और दोस्तों टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक याद से कर दीजिएगा, आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के गिव अवे कॉन्टेस्ट के बारे में। दोस्तों आप इस वीडियो के गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके जीत सकते हो 1,000 रुपए। अब पार्टिसिपेट कैसे करना है, आपको सिंपल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा और सबसे ज्यादा कैच कौन सा फील्डर पकड़ेगा। और गिव अवे के रूल क्या है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी खुद की प्रिडिक्शन देनी है और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा और सबसे ज्यादा कैच कौन सा फील्डर पकड़ेगा और पाइए 1,000 रुपए जीतने का मौका। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट और पिच बिहेवियर के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि ये मैच खेला जाएगा डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई के ग्राउंड के ऊपर। अगर दोस्तों उस ग्राउंड की पिच की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मैच कोई भी टीम जीत सकती है बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड, लेकिन दोस्तों जो टीम टॉस जीतेगी वो हाई चांस है बॉलिंग चूज कर सकती है। और उसका मेन रीजन क्या है दोस्तों कि ये वाला मैच खेला जाएगा शाम को 7:30 पे, यानी यहाँ पे आपको सेकंड इनिंग के अंदर ड्यू देखने को मिल सकती है। तो जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग चूज कर सकती है। और दोस्तों सबसे खास बात क्या है, इस ग्राउंड के ऊपर पिछले कुछ मैचों से ये देखा गया है कि जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसके बॉलर ज्यादा विकेट चटकाते हैं, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों आईपीएल 2022 के अंदर सबसे ज्यादा मैच इस ग्राउंड के ऊपर खेले गए, इसलिए दोस्तों यहाँ की पिच काफी हद तक आपको एक बैलेंस पिच देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो 150 से 169 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसका। अब दोस्तों इस ग्राउंड के रिकॉर्ड के बेसिस पे आपके लिए पंजाब की तरफ से कागिसो रबाडा काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पंजाब की टीम ने इस ग्राउंड के ऊपर 3 मैच खेले जिनमें रबाडा ने पहला मैच नहीं खेला था, दूसरे मैच में 1 विकेट और तीसरे मैच में 4 विकेट चटकाए थे। उसके बाद दोस्तों आपके लिए पंजाब की तरफ से शिखर धवन भी काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं। दोस्तों शिखर धवन ने इस ग्राउंड पे खेले गए 3 मैचों में 43, 8 और 80 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों इस ग्राउंड के रिकॉर्ड के बेसिस पे आपके लिए दिल्ली की तरफ से एंड्रिक नोकिया काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं। दोस्तों इस प्लेयर ने इस ग्राउंड के ऊपर 2 मैच खेले जिनमें 1 मैच में 2 विकेट और 1 मैच में 3 विकेट लिए थे। वहीं दोस्तों यहां पे आपके लिए ऋषभ पंत भी काफी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर पिच के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा उस केस के अंदर रबाडा के साथ साथ अर्शदीप सिंह भी यहाँ पे विकेट निकाल सकते हैं, और अगर दोस्तों यहाँ पे संदीप शर्मा खेलते हैं तो संदीप शर्मा भी काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं, या फिर अगर वैभव अरोड़ा को टीम मौका देती है तो वो प्लेयर भी पावर प्ले में कमाल कर सकता है। वहीं दोस्तों दिल्ली की तरफ से एंड्रिक नोकिया के साथ साथ खलील अहमद या चेतन साकरिया में से कोई एक इंपोर्टेंट रह सकता है। अगर दोस्तों ओवरऑल पिच की बात करें तो आपको एक बैलेंस पिच देखने को मिलेगी जो कि बैट्समैन और बॉलर दोनों को फेवर कर सकती है। अगर दोस्तों पिच ड्राई होती है उस केस के अंदर स्पिनर काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं, जैसे दोस्तों अगर हम बात करें दिल्ली की तरफ से तो अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और ललित यादव, और दोस्तों ललित यादव राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, ये प्लेयर यहाँ पे आपके लिए शिखर धवन के सामने बॉलिंग करने भी आ सकता है। वहीं दोस्तों पंजाब की तरफ से आपके लिए राहुल चार और लियाम लिविंगस्टन क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं अगर पिच ड्राई होती है उस केस के अंदर। बाकी दोस्तों ओवरऑल आपको एक बैलेंस पिच देखने को मिलेगी जो कि बैट्समैन और बॉलर को दोनों को फेवर कर सकती है। और एक खास बात कहते दोस्तों कि एक ग्राउंड के ऊपर 6 से 7 पिच होती है, इसलिए मैं आपको फाइनल पिच रिपोर्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो होगी ओवरऑल पिच रिपोर्ट की बात। अगर हम बात करें पंजाब और दिल्ली की, दोस्तों पंजाब की टीम ने इस ग्राउंड के ऊपर 3 मैच खेले जिनमें से 2 मैच जीते हैं, और पंजाब ने अपना लास्ट मैच खेला था गुजरात के खिलाफ, वो मैच पंजाब की टीम 8 विकेटों से जीत गई थी। उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे कागिसो रबाडा। अगर दोस्तों उस मैच में हम पंजाब की तरफ से बात करें तो जॉनी बेरिस्टो ने 1 रन बनाए थे, शिखर धवन ने 60, बानुका राजपक्षे ने 40, लियाम लिविंगस्टोन ने 30 रन, 1 विकेट, कागिसो रबाडा को 4 विकेट, ऋषि धवन को 1 विकेट और अर्शदीप सिंह को 1 विकेट मिला था। वहीं दोस्तों दिल्ली की टीम ने इस ग्राउंड के ऊपर 3 मैच खेले जिनमें से 1 मैच जीता है। दिल्ली ने अपना लास्ट मैच खेला था यहाँ पे राजस्थान के खिलाफ, और वो मैच दिल्ली की टीम 8 विकेटों से जीत गई थी, जिसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच थे मिचेल मार्श। उस मैच में दोस्तों दिल्ली की तरफ से शिखर भरत ने 0 रन बनाए थे, डेविड वार्नर ने 52, मिचेल मार्श ने 89 रन, 2 विकेट, ऋषभ पंत ने 13 रन, चेतन साकरिया को 2 विकेट और एंड्रिक नोकिया को 2 विकेट मिला था।
अगर दोस्तों आप इन दोनों मैचों को एनालाइज करोगे तो दोनों के दोनों मैच सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी बात दोस्तों, दोनों मैचों के अंदर यहाँ पे पहली इनिंग के अंदर ज्यादा विकेट फॉल हुए हैं एज कम्पेयर टू सेकंड इनिंग। अगर हम गुजरात और पंजाब वाले मैच में बात करें तो पहली इनिंग में गुजरात के 8 विकेट गिरे थे और पंजाब के मात्र 2 विकेट गिरे थे। वहीं दोस्तों राजस्थान और दिल्ली वाले मैच की बात करें तो राजस्थान के पहली इनिंग में 6 विकेट गिरे थे और सेकंड इनिंग में दिल्ली के मात्र 2 विकेट गिरे थे। यानी दोस्तों आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बना सकते हो? आप पहले बॉलिंग करने वाली टीम के बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो या फिर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो दोस्तों प्लेइंग 11 और प्लेयर कंपैरिजन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो याद से डाउनलोड कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ सकता है कि आप माई 11 सर्कल ऐप को क्यों डाउनलोड करो और माई 11 सर्कल ऐप पे क्यों खेलो? क्योंकि दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे आप जीत सकते हो हर दिन 1 करोड़ रुपए अगर आप मेगा लीग जीतते हो तो। और दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे आपको सबसे कम कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म से इस ऐप को कंपेयर कर सकते हो। सबसे कम कॉम्पिटिशन आपको माई 11 सर्कल ऐप पे देखने को मिलेगा, यानी आपके जीतने के काफी बढ़ जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा डिपॉजिट करते टाइम। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप पंजाब और दिल्ली के मैच में अपनी टीम से वीवीएस लक्ष्मण सर की टीम को हराओगे तो आपको मिलेगा 5 गुना कैश। देखो दोस्तों फैंटेसी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑफर आपको माई 11 सर्कल ऐप पे मिल रहे हैं और सबसे कम कंपटीशन आपको माई 11 सर्कल ऐप पे देखने को मिल रहा है। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 1500 रुपए का साइनिंग बोनस और हमारे सब्सक्राइबर के लिए खास ऑफर है जिनमें उनको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। या फिर दोस्तों आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज कर सकते हो जिसमें भी आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 एंड बैटिंग ऑर्डर ऑफ पंजाब किंग्स। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो आपके लिए बैटिंग ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वहीं दोस्तों ये प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है, अगर इस प्लेइंग 11 में किसी एक या दो प्लेयर का चेंज होगा तो चीज मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। दोस्तों पंजाब की तरफ से आपके लिए ओपनिंग करते दिखेंगे आपको जॉनी बेरिस्टो, शिखर धवन, और उसके बाद 3 नंबर पे बैटिंग करने आ सकते हैं भानुका राजपक्षा। यानी दोस्तों पंजाब की तरफ से ये 3 प्लेयर आपके लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते हैं। अगर दोस्तों भानुका राजपक्षा अगर यहाँ पे नहीं खेलते हैं उस केस में मयंक अग्रवाल या लियाम लिविंगस्टोन में से कोई एक 3 नंबर बैटिंग करने आ सकता है, लेकिन अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि जॉनी बेरिस्टो, शिखर धवन और भानुका राजपक्षा ये 3 प्लेयर आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे पंजाब की तरफ से। अगर दोस्तों हम बात करें दिल्ली के कौन से बॉलर इनके सामने पावर प्ले में बॉलिंग करने आ सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे पहला ओवर लेके आ सकते हैं चेतन साकरिया, दूसरा ओवर लेके आ सकते हैं एंड्रिक नोकिया। अगर दोस्तों चेतन साकरिया ना खेले उस केस के अंदर शार्दुल ठाकुर पहला ओवर लेके आ सकते हैं, और शार्दुल ठाकुर पहला ओवर इसलिए लेके आ सकते हैं क्योंकि दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने अपने कैरियर में शिखर धवन को 2 बार आउट किया हुआ है, तो ये भी खतरा रहने आया शिखर धवन के लिए। यहाँ पे शार्दुल ठाकुर भी पहला ओवर लेके आ सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे खलील अहमद खेलते हैं तो वो प्लेयर भी पावर प्ले में एक आउट डाल सकता है, या फिर दोस्तों यहाँ पे ललित यादव राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलिंग करते हैं ये भी शिखर धवन के सामने पावर प्ले में बॉलिंग करने आ सकते हैं और ये प्लेयर भी शिखर धवन को आउट कर सकता है। दोस्तों इस प्लेयर का सिलेक्शन थोड़ा कम होगा, आपके लिए ग्रैंड लीग में एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। वहीं दोस्तों अगर ललित यादव पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करेंगे तो अक्षर पटेल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पंजाब की तरफ से मिडल ऑर्डर की कमान संभालेंगे लियाम लिविंगस्टोन, मयंक अग्रवाल, जितेश शर्मा, और पंजाब की तरफ से बॉलिंग की कमान संभालेंगे ऋषि धवन, कागिसो रबाड़ा, राहुल चार, अर्शदीप सिंह और संदीप शर्मा। हालांकि दोस्तों लास्ट मैच हरप्रीत ब्राड़ खेले थे लेकिन इस मैच में शायद संदीप शर्मा वापसी कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें दिल्ली की तरफ से डेथ ओवर की बॉलर की तो एंड्रिक नोकिया, शार्दुल ठाकुर और खलील अहमद आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें पंजाब की तरफ से सेफ ऑप्शन तो आपके लिए सेफ ऑप्शन है जॉनी बेरिस्टो, शिखर धवन, लियाम लिविंगस्टोन, उसके बाद कागिसो रबाड़ा, उसके बाद राहुल चार, ये आपके लिए सेफ ऑप्शन है। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो उस केस में दोस्तों आप भानुका राजपक्षा को मौका दे सकते हो। दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम में मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा में सेफ को मौका दे सकते हो, और दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम में अर्शदीप सिंह को भी मौका दे सकते हो। बाकी दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि ये प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है, अगर इस प्लेइंग 11 में कोई एक या दो प्लेयर का चेंज होगा तो वो चीज मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्लेइंग 11 ऑफ दिल्ली कैपिटल्स विद बैटिंग ऑर्डर। दोस्तों दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करेंगे डेविड वॉर्नर,
उनके साथ दोस्तों लास्ट दो मैचों से ओपनिंग कर रहे हैं सिरकर भरत। अगर दोस्तों पृथ्वी शो फिट होते तो ये मैच पृथ्वी शो खेलेंगे, अगर पृथ्वी शो ना खेले उस केस के अंदर सिरकर भरत ही ओपनिंग करने आएंगे, लेकिन हाई चांस ये लग रहा है कि पृथ्वी शो फिट हो सकते हैं। और तीन नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं मिचेल मार्श, यानी दोस्तों दिल्ली की तरफ से आपके लिए तीन प्लेयर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें पंजाब के कौन से बॉलर इनके सामने बॉलिंग करने आ सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे संदीप शर्मा पहला ओवर लेके आ सकते हैं अगर खेलते हैं तो। अगर संदीप शर्मा ना खेले उस केस में दोस्तों यहाँ पे अर्शदीप सिंह पहला ओवर डाल सकते हैं, दूसरा ओवर दोस्तों कागिसो रबाड़ा डाल सकते हैं, उसके बाद दोस्तों पार प्ले में एक ओवर ऋषि धवन डाल सकते हैं, दोस्तों एक ओवर राहुल चार भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दिल्ली की तरफ से मिडिल ऑर्डर की कमान संभालेंगे ऋषभ पंत, ललित यादव, रोमन पोल और अक्षर पटेल। और दोस्तों दिल्ली की तरफ से बॉलिंग की कमान संभालेंगे शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, चेतन साकरिया और खलील अहमद में से कोई एक खेलेगा वो प्लेयर, और एंड्रिक नोकिया। अगर दोस्तों हम बात करें डेथ ओवर के बॉलर की तो पंजाब की तरफ से डेथ ओवर में बॉलिंग करने आ सकते हैं अर्शदीप सिंह, कागिसो रबाड़ा और कभी कभार दोस्तों 17-18 ओवर राहुल चार भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों एक खास बात बता दूं कि अगर यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान खेलते हैं तो मुस्तफिजुर रहमान को भी टीम मौका दे सकती है। अगर दोस्तों हम बात करें दिल्ली की तरफ से सेफ ऑप्शन तो आपके लिए डेविड वॉर्नर सेफ है, उसके लिए बाद मिशेल मार्श, ऋषभ पंत तीनों सेफ है। उसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पे सेफ रह सकते हैं एंड्रिक नोकिया। उसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव है, इस प्लेयर का रिकॉर्ड पंजाब के खिलाफ काफी अच्छा, लास्ट मैच में दो विकेट चटकाए थे पंजाब के खिलाफ, तो ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग में अच्छा ऑप्शन रह सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पंजाब की टीम में भानुका राजपक्षा और शेखर धवन दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो ललित यादव को अगर टीम बॉलिंग का मौका देती है तो ये प्लेयर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है, तो ये प्लेयर भी आपके लिए ग्रैंड लीग में एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अक्षर पटेल है, वो एक फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों रोमन पोवेल का भी अच्छा खासा स्टेट चल रहा है, तो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब एक चीज और बता दोस्तों, अगर दिल्ली की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे उस केस के अंदर आप डेविड वॉर्नर और पृथ्वी शाह दोनों के साथ जा सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। हालांकि पृथ्वी शाह इंजरी से रिकवर होकर आएंगे अगर खेलेंगे तो, लेकिन आप दोनों के साथ जा सकते हो और आपको थोड़ा रिस्क लेना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं पंजाब और दिल्ली के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। दोस्तों हेड टू हेड में इन दोनों टीमों ने अब तक 29 मैच खेले, जिसमें पंजाब ने 15 और दिल्ली ने 14 मैच जीते हैं। लास्ट अगर हेड टू हेड की बात करें तो वो दोस्तों इसी आईपीएल के अंदर खेला गया था बर्बोन स्टेडियम पे, जिसके अंदर पंजाब की टीम ने पहले बैटिंग करते 115 रन बनाए थे 10 विकेट पे, और दिल्ली ने 119 रन बना के 9 विकेटों से मैच जीत लिया था, जिसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच थे कुलदीप यादव। अगर दोस्तों कुछ प्लेयर बैटल की बात करें तो शिखर धवन वर्सेस शार्दुल ठाकुर आपको प्लेयर बैटल देखने को मिलेगी। दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने शिखर धवन को 2 बार आउट किया है। पृथ्वी शाह वर्सेस राहुल चार आपको प्लेयर बैटल देखने को मिलेगी, राहुल चार ने पृथ्वी शाह को 2 बार आउट किया है। जोनी बेरिस्टो वर्सेस खलील अहमद 1 बार आउट किया, जोनी बेरिस्टो वर्सेस कुलदीप यादव 1 बार आउट किया, तो आपको ये कुछ प्लेयर बैटल देखने को मिल सकती है। एक टीम आप प्लेयर बैटल के बेसिस पे भी बना सकते हो ग्रैंड लीग की, अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहो तो। दोस्तों हम करते हैं प्लेयर कंपैरिजन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये प्लेयर कंपैरिजन हम करने वाले हैं सेक्शन वाइज, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन के बारे में। विकेट कीपर हमारे पास पंजाब की तरफ से जितेश शर्मा 5 या 6 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 9 रन बनाए थे। जोनी बेरिस्टो ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच में 66 रन बनाए थे। ऋषभ पंत 4 नंबर बैटिंग करने आते हैं, दिल्ली की तरफ से लास्ट मैच में 13 रन बनाए थे। केएस भरत ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे, और टीम सेपरेट पिछले कुछ मैचों से नहीं खेल रहे हैं। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपका फर्स्ट चॉइस जोनी बेरिस्टो, सेकंड चॉइस ऋषभ पंत, ये दोनों स्मॉल लीग की टीम में मस्ट रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो आप मैक्सिमम टीमों में जोनी बेरिस्टो और ऋषभ पंत को मौका दे सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी तरह कुछ रिस्क लेना चाहते हो कुछ टीमों के अंदर, तो कुछ टीमों में आप जोनी बेरिस्टो को ड्रॉप करके अकेले ऋषभ पंत के साथ जा सकते हो, या फिर आप जोनी बेरिस्टो को ड्रॉप करके केएस भरत और ऋषभ पंत इन दोनों के कॉम्बो के साथ जा सकते हो, अगर दिल्ली की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे। और अगर दोस्तों पंजाब की टीम पहले बैटिंग करे तो आप ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में जितेश शर्मा को भी मौका दे सकते हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन के बारे में। दोस्तों बैट्समैन हमारे पास पंजाब की तरफ से शिखर धवन ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच में 21 रन बनाए थे। मयंक अग्रवाल 4 नंबर या 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 19 रन बनाए थे। शाहरुख खान लास्ट मैच नहीं खेले थे, भानुका राजपक्षा खेले थे, 3 नंबर बैटिंग करने आए थे, मात्र 1 रन बनाया था। वहीं दोस्तों दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शो पिछले कुछ मैच नहीं खेले हैं, मनदीप सिंह भी नहीं खेले, सरफराज खान भी नहीं खेले, रोमन पोवेल दोस्तों 5 या 6 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई थी। डेविड वॉर्नर ने लास्ट मैच में ओपनिंग की थी और 52 रन बनाए थे। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो आपके फर्स्ट चॉइस है डेविड वॉर्नर, सेकंड चॉइस है शिखर धवन, और थर्ड चॉइस दोस्तों यहाँ पे आप पृथ्वी शो, रोमन पोवेल और भानुका राजपक्षा में किसी एक को दे सकते हो। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ उस केस में आप मयंक अग्रवाल को कुछ टीमों में मौका दे सकते हो, लेकिन अगर आप मयंक अग्रवाल को मौका दे रहे हो तो आप ये मान के चले कि पंजाब के टॉप ऑर्डर के 1 या 2 बैट्समैन जल्दी आउट हो जाएंगे, तभी मयंक अग्रवाल की बैटिंग आ पाएगी। या फिर दोस्तों आप ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में रोमन पोवेल को भी मौका दे सकते हो। और दोस्तों अगर दिल्ली की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे तो आप पृथ्वी शो और डेविड वॉर्नर इन दोनों को ग्रैंड लीग की एक टीम में आज से ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में।
दोस्तों ऑलराउंडर हमारे पास यहाँ पे पंजाब की तरफ से लियाम लिविंगस्टोन 4 या 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं। लास्ट मैच में 70 रन बनाए थे, बॉलिंग नहीं की थी। ओडेन स्मिथ लास्ट मैच नहीं खेले थे, ऋषि धवन खेले थे जिनको 2 विकेट मिले थे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला था। ललित यादव का भी रिकॉर्ड काफी खराब था लास्ट मैच के अंदर। मिचेल मार्श दोस्तों 3 नंबर बैटिंग करने आते हैं, लास्ट मैच में 89 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो, आपके पास फर्स्ट चॉइस लियाम लिविंगस्टोन, सेकंड चॉइस मिचेल मार्श, दोनों प्लेयर आपके स्मॉल लीग की टीम में मस्ट रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप कुछ टीमों में ललित यादव को मौका दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों पंजाब की टीम में 2-3 प्लेयर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, यहां पे ललित यादव थोड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है। हालांकि लास्ट मैच में इस प्लेयर को बॉलिंग नहीं दी थी टीम ने, क्या पता इस मैच में टीम बॉलिंग दे दे, तो ये चीज देखने वाली बात होगी। उसके बाद दोस्तों आप ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में अक्षर पटेल को मौका दे सकते हो, और दोस्तों वहीं ऋषि धवन है वो पारपल्ली में बॉलिंग करने आ सकते हैं, तो ये प्लेयर भी आपके लिए ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब दोस्तों एक खास बात और बताऊं, अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के मूड में हो, उस केस के अंदर अगर पंजाब की टीम यहाँ पे सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे, उस केस में आप कुछ टीमों में लियाम लिविंगस्टोन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ओनली इफ अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के मूड में हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। दोस्तों बॉलिंग हमारे पास पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था, वैभव अरोड़ा लास्ट मैच नहीं खेलते, राहुल 4 खेले थे जिनको 2 विकेट मिले थे, कागेश्वर अबाड़ा को लास्ट मैच में 3 विकेट मिले थे, संदीप शर्मा लास्ट मैच नहीं खेले थे, हरप्रीत बराड़ खेले थे जिनको 1 विकेट मिला था। वहीं दोस्तों हमारे पास दिल्ली की तरफ से शार्दुल ठाकुर लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, मुस्तफिजुर रहमान लास्ट मैच नहीं खेले थे, ना यलिंगिड़ी खेले थे, खलील अहमद भी लास्ट मैच नहीं खेले थे, चेतन साकरिया खेले थे जिनको 2 विकेट मिले थे, कुलदीप यादव को कोई विकेट नहीं मिला था, और एंड्रिक नोकिया को लास्ट मैच में 2 विकेट मिले थे। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो, तो आपके पास फर्स्ट चॉइस है कागेश्वर अबाड़ा, सेकंड चॉइस है एंड्रिक नोकिया, थर्ड चॉइस दोस्तों आप कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को दे सकते हो, और फोर्थ चॉइस दोस्तों यहाँ पे आप अर्शदीप सिंह और राहुल 4 में से किसी एक को दे सकते हो। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ, तो आप एक टीम के अंदर रबाड़ा को कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, और उसी टीम में एंड्रिक नोकिया को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, जो टीम पहले बॉलिंग करे उसके आप ज्यादा बॉलर चूज करके उनमें से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम में साकरिया को मौका दे सकते हो, खलील अहमद के इसको मौका दे सकते हो, या फिर दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम में अर्शदीप सिंह और संदीप शर्मा को भी मौका दे सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम और टिप्स की। दोस्तों मैंने यहाँ पे माई 11 सर्कल ऐप की टीम बनाई है, बाकी आपको हर एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म की टीम में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इस टीम में दोस्तों मैंने विकेट कीपर मिली है ऋषभ पंत और जोनी बेरिस्टो को, बैटिंग मिली है डेविड वॉर्नर, शिखर धवन और रोमिन पोवेल को, ऑलराउंडर मिली है लियाम लिविंगस्टोन और मिचेल मार्श को, और बॉलिंग मिली है कागेश्वर अबाड़ा और एंड्रिक नोकिया को। दोस्तों मैंने यहाँ पे 9 प्लेयर चूज किए हैं, 10वां और 11वां प्लेयर आप क्या चूज कर सकते हो, यहाँ पे दोस्तों आप अर्शदीप सिंह को मौका दे सकते हो, राहुल 4 को मौका दे सकते हो, कुलदीप यादव को मौका दे सकते हो, शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद और चेतन साकरिया, इनमें से किसी को बॉलिंग सेक्शन में अगर आप 2 बॉलर और लेना चाहो तो मौका दे सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा ऑलराउंडर चूज करना चाहो, अगर मान लीजिए रिस्क ले रहे हो आप ग्रैंड लीग के अंदर, तो आप ललित यादव को मौका दे सकते हो, या फिर अक्षर पटेल को मौका दे सकते हो, या फिर ऋषि धवन को मौका दे सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन चूज करना चाहो, तो यहाँ पे आप पृथ्वी शो को भी मौका दे सकते हो। अब दोस्तों इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, तो मैक्सिमम पब्लिक कैप्टन बनाएगी मिचेल मार्श को, क्योंकि लास्ट मैच में 9 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे। उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन, उसके बाद डेविड वॉर्नर, और उसके बाद शिखर धवन, और उसके बाद जोनी बेरिस्टो, यानी इन 4-5 बंदों के साथ मैक्सिमम पब्लिक जाने वाली है। अगर आपको रिस्क लेना है, तो अगर यहाँ पे आप रिस्क लेना चाहो, तो आप कागेश्वर अबाड़ा और एंड्रिक नोकिया के साथ भी जा सकते हो, अगर आप रिस्क लेना चाहो तो। बाकी दोस्तों डेमो टीम इसमें 1 या 2 चेंज हो सकते हैं, इसलिए आपको फाइनल टीम में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो याद से डाउनलोड कर लीजिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे आप जीत सकते हो हर दिन 1 करोड़ रुपए, और कॉम्पिटिशन बिल्कुल ही कम है। और अगर दोस्तों आप हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे, तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, या फिर दोस्तों हमारा कूपन कोड दिख रहा है आपको YT2022, इसको यूज करोगे तो भी आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों ये थी मेरी तरफ से पंजाब और दिल्ली के बीच होने वाले मैच की प्रिडिक्शन, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।